भाई कुकस्मार्ट में कुछ अगर मीठा बनाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, मीठा सबको अच्छा लगता है, खासतौर से जो बच्चे हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो मीठी कैनपीज बनाते हैं। कैनपीज वैसे तो फ्रेंच वर्ड है, नॉर्मली ब्रेड के ऊपर रख के कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती हैं, बड़ा दिखने में अच्छा लगता है। जो कैनपी वर्ड है वो काउच फ्रेंच में उससे हुआ है, जैसे लोग बैठ जाते हैं ना सोफा के ऊपर, काउच के ऊपर, वैसे ही ब्रेड के ऊपर जब चीज़ें सजा के रखी जाती हैं तो वहाँ से ये वर्ड निकला है। खैर ये जो है इसको बनाने के लिए मुझे एक काम करना है, मुझे चाहिए थोड़ी क्रीम, ये वाइट चॉकलेट, वाइट चॉकलेट ये ले लेते हैं। वैसे इसके अंदर जो चॉकलेट है वो सिर्फ इसके फैट के रूप में रहती है, जो कोको बीन्स होती हैं जिससे चॉकलेट बनती है उसमें जो चॉकलेट है वो एक तो कोको मास होता है और एक कोको बटर, तो ये जो मिल्क चॉकलेट है ये बनता है कोको बटर से और उसके साथ साथ मिल्क एंड शुगर, तो इसलिए ये ब्राउन नहीं दिखती है। और अब इसके अंदर जरा थोड़ा कॉफ़ी भी डाल देते हैं, तो ये मेरे पास कॉफ़ी जिसको पानी के अंदर घोला था, ये कॉफ़ी इसके अंदर ढेर सारी डल गई। बहुत बढ़िया, ये सब तैयार हो गया। अब क्या करना है? तो ये जो क्रीम है इसमें चीनी डालकर इसको फेंटना है, तो ये फेंट लेते हैं। चलिए क्रीम फेंट गई और ये क्रीम अच्छी तरह से हमने फेंट ली। ये जो है हमारे पास कॉफी और चॉकलेट, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको मैं निकाल लेता हूं, ये छन्नी कॉफी के साथ में ये क्रीम, और इसको हमने छान लिया। अब ये जो दोनों चीजें हैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर मिक्स करना है, लेकिन अभी नहीं। ये यहां पर मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया हुआ है, बाजार में बना बनाया आप ले सकते हैं, थोड़ा डार्क चॉकलेट वाला लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद इसको हमने काटना है, जरा इसके पीसेस काट लेते हैं हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, तो ये कटर्स लेकर इसके पीसेस काट लेते हैं। ये देखिए गोल कैनपेस जो है वो अलग अलग शेप्स और साइजेस की रहती हैं, इस तरह से चाहिए तो थोड़े से ये शेप में, भाई देखिए ये भी गोल ही है, आप चाहें तो बच्चों को पसंद आने वाला हार्ट शेप भी ले सकते हैं। ये काट लिया, ये देखिए। और इसके बाद हमारे पास जो हमने क्रीम फेंटी थी और उसके साथ साथ जो चॉकलेट कॉफी क्रीम उसको पकाया था फ्रिज में रखा है, निकाल लेते हैं। अब ये इस क्रीम के अंदर इसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा पतला है ये, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हाँ बस अब ये इसका जो रंग है एकदम बढ़िया परफेक्ट ऐसा ही चाहिए, ठंडा होने रख देते हैं। ये जो है चॉकलेट और क्रीम ये जैसे मैंने आपको बताया ये सेट हो जाती है, तो उससे पहले कि ये सेट हो हमें एक काम करना है कि ये जो है इस पे ये डाल देना है थोड़ा, और इससे क्या होगा ये मॉइस्ट भी होगा और उसके साथ साथ इसमें चॉकलेट का रिच टेस्ट आ जाएगा। अब ये जो है बढ़िया नाइस एंड मॉइस्ट, अब इसको फिनिश करने के लिए जो हमने क्रीम के अंदर बाकी सारी चीजें मिक्स करके रखी हुई हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे। ठंडा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, हाँ ये ठीक है। अब क्या करना है इसको हम ले लेते हैं इस पाइपिंग बैग के अंदर, कॉफी के फ्लेवर वाला, एक तरह से कॉफी का मूज है ये, ये ले लिया और बहुत बढ़िया। ये लेकर अब इसमें आप इसको इस तरह से डालें या इस तरह से, मर्जी आपकी है।
ये लिए और इसके बाद इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। ये पतले पतले चॉकलेट के ट्रायंगल्स सिलिकॉन शीट पे चॉकलेट को मेल्ट करके फ्रिज में रख दें, काटें बस। और इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसी तरह से परोसें। भाई कॉफी का मूज है तो कॉफी के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे एक चीज बताऊं, कॉफी दुनिया की सेकंड मोस्ट बिकने वाली कमोडिटी है। सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है? तेल, उसके बाद कॉफी। मजा लीजिए कॉफी मूज कैनपेस का। कॉफी मूस कैनेपे बनाने के लिए 2 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 1 कप ताजी क्रीम, 1 कप कटा सफेद चॉकलेट, 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 डार्क स्पॉन्ज केक, चॉकलेट त्रिकोण आवश्यकतानुसार। कॉफी मूस कैनेपे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में क्रीम गरम करें, उसमें व्हाइट चॉकलेट डालकर मिलाए और लगातार चलाते हुए पकाए जब तक चॉकलेट पूरी पिघल जाए। 2 बड़े चम्मच के साथ इंस्टेंट कॉफी पाउडर मिलाए और पैन में डाले और अच्छी तरह मिलाए। ठंडा होने दे। व्हिपिंग क्रीम को एक बोल में डालकर फेंटे जब तक वो कड़क हो जाए। क्रीम चॉकलेट के मिश्रण को छान कर एक दूसरे बोल में डाले और दोनों बोल को रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने रखे। केक के 1/2 इंच मोटे स्लाइस काट ले, उन पर अलग अलग आकार के कुकी कटर रखे और काट ले। दोनों बोल को रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकाले। आधे व्हिप्ड क्रीम और क्रीम चॉकलेट के मिश्रण के साथ अच्छी तरह मिलाकर मूस बनाए। रेफ्रिजरेटर में रखकर कुछ देर ठंडा करें और केक के हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा मूस रखें। बचा व्हिप्ड क्रीम स्टार नोजल लगे पाइपिंग बैग में डालें और हर केक के टुकड़े पर रोसेट्स बनाकर डालें। अब इसके ऊपर चॉकलेट का त्रिकोण रखकर ठंडा ठंडा परोसें।